हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस मैं हूं आपकी मैंट और वंशिका दुआ बजाज आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ के मल्टीपल चॉइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे हमारे एडिका जोन के सैम्पल पेपर में से बहुत ही अमेजिंग एम प्रोवाइड करे गए हैं तो आज हम इन एम को सॉल्व करते हैं और फिर इनके सोल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने एम के साथ अवर्टिकल पोल टेन मीटर कास्टा शेडो ऑफ लेंथ फाइव मीटर ऑन द ग्राउंड क्वेश्चन में इवन क्या है कि एक पोल है पोल की जो लेंथ है वो कितनी है फाइव मीटर है और सॉरी <coughs> पोल की जो लेंथ है वो टेन मीटर लॉन्ग है एंड वो शेडो कितनी मीटर लेंथ की कास्ट कर रहा है फाइव मीटर उसकी शेडो की लेंथ है एट द सेम टाइम अ टावर कास्टर शेडो ऑफ लेंथ ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर ऑन द ग्राउंड तो हमें टावर की हाइट फाइन करनी है देखिए यहाँ पे हम फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास एक पोल हो गया पोल की हाइट हमें गिवन है टेन मीटर और उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ है फाइव मीटर सेम टाइम पे हमारे पास एक टार है और जो टार की शेडो है वो तो टार की शेडो कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर हमें इसकी हाइट फाइंड करने कितनी होगी तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में बात करें नाइन्टी डिग्री का एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा एच नाइनटी और ये वाला जो एंगल रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन तो एक सेम टाइम की बात हो रही है क्वेश्चन में मैंशन एट द सेम टाइम तो सेम टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है वो सेम रहता है तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो यहाँ पे कितना होगा थीटा तो ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्राएंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर और जब ये दोनों ट्राएंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी तो टेन बाय फाइव इज इक्वल्स टू एक्स बाय ट्वेल्व पॉइंट फाइव अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को x एज्यूम कर लेते हैं हाइट को तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा फर्स्ट वाले हम सी द हाइट ऑफ द टावर इज 25 मीटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एम की तरफ हमारे पास नेक्स्ट एम्सक्यू में हमें क्या है यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें मोड फाइंड करना है हुज मीन इज सेवन पॉइंट टू एंड मीडियन इज सेवन पॉइंट वन तो हमें इस क्वेश्चन में मोड की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फॉमूला सभी ने पढ़ रखा है पेरिकल रिलेशनशिप का बहुत ही सिंपल सा फॉमूला है क्या फॉर्मुला हम पेरिकल रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं जेड इज इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार तो जेड यहाँ पे मोड को रिप्रेजेंट करता है मोड की वैल्यू होती है थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस टू टाइम्स ऑफ मीन तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री इंटू मीडियम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है सेवन पॉइंट वन माइनस टू इंटू मीन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है सेवन पॉइंट टू तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री माइनस फोर्टीन पॉइंट फोर और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट नाइन तो द करेक्ट मोड इज सिक्स पॉइंट नाइन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सिक्स पॉइंट नाइन इज द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एम सी क्यू एम सी क्यू नंबर थ्री की तरफ इसमें हमें क्या गिवन है ओ ए सी बीज द क्वाडेंट ऑफ अ सर्कल यहाँ पे हमें क्वार्डेंट पता हो गया तो थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन्टी डिग्री रेडियस इज इक्व टू सेवन सेंटीमीटर तो आर इज इक्ल्स टू सेवन सेंटीमीटर ए सी बी इज द आग तो ए सी बी हमारे पास आग है तो हमें क्वारेंट का पेरीमीटर फाइन करना है क्वार्ड्रेंट की ये हमारे पास शेप रहती है तो अगर इसका हमें पेरीमीटर फाइन करना है तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा प्लस टू टाइम्स ऑफ रेडियस ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी और एक रेडियस ये वैली हो जाएगी तो दोनों रेडियस को हम ऐड कर देंगे और लेंथ ये पूरा का पूरा आर्क ले लेंगे तो आर्क का हमला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर प्लस टू इंटू रेडियस टू टाइम्स हमें रेडियस को ऐड करना है तो थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी सम्पलीफाई करके वन बाई फोर आ गया क्योंकि थीटा की वैल्यू नाइन्टी है इंटू टू मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी सेवन प्लस टू इंटू सेवन तो सेवन और सेवन हमारे पास सिम्प्लीफाई हो जाएंगे इनको कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेवन प्लस फोटीन एंड इलेवन प्लस फोटीन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेंट जो रहेगा उसका पैरिमीटर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अब नेक्स्ट एम सी क्यू में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू में हमें फिगर भी गिवन है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं इसमें सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ओ रहेगा एंगल ए पी बी की वैल्यू गिवन है फिफ्टी डिग्री है और हमें मीजर करना है एंगल ए बी हमें ये वाला जो एंगल है ये करना है ये प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इन दोनों का सम वन होता है तो अगर इसकी वैल्यू फिफ्टी है तो ये वैल्यू एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी वन थर्टी अब ओ ए और ओ बी दोनों क्या है रेडियस है सर्कल की तो जब दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होंगी तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी अब जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल ओ बी ए एंड ओ ए बी ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल क्योंकि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो सपोज इस एंगल को भी हमने एक्सेजूम कर लिया और इसको भी क्या ज्यूम कर लिया एक्स तो अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में एक्स प्लस एक्स प्लस वन थर्टी इज इक्वल्स टू रख देंगे वन एट्टी के तो हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव डिग्री तो ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एंगल ए बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव डिग्री नेक्स्ट एम सी यू डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने क्लास टेंथ सी बी एस ई बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही परचेज कर लीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स जो कि आपके नियर बाय लोकल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं साथ ही साथ ही आपको ऑनलाइन भी अमेजोन फ्लिपकार्टशर्ट वेबसाइट से परचेज करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ एक्सपर्ट्स ने इनको डिज़ाइन करा है इंग्लिश लिटरेचर हिंदी साइंस सोशल स्टडी एंड मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं तो आज ही जाइए और इन सांपल पेपर्स को परचेज कर लीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एम की तरफ नेक्स्ट एम में हमें क्या किए है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस फ्रॉम दस सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 25 फाइव सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेवन मीटर सेवन सेंटीमीटर सॉरी तो इस क्वेश्चन में हमें क्या होना है कि एक टेंजेंट है टेंजेंट की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अ सर्कल से वो 25 सेंटीमीटर है और जो सर्कल की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है तो अगर मैं फिगर ड्रा करके इसमें आपको क्लियर करना चाहूँ तो ये सेंटर का सर्कल हो गया इसको हम ओ पॉइंट से मार्क कर देते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी यहाँ पे एक पॉइंट पी है सर्कल पे और इस पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इस टेंजेंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी गिवन है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो हमारे पास ये पॉइंट सपोज हमने इसको क्यू मार्क कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया ओ क्यू की वैल्यू गिवन हो गई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेवन तो ओ पी इज़ रेडियस तो ओ पी इजिक्वल्स टू सेवन सेंटीमीटर तो ओ पी हमें क्वेश्चन में गिवन है सेवन सेंटीमीटर अब इस सर्कल्स वाले चैप्टर में सभी बच्चों ने थ्योरम पढ़ी होगी कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो रेडियस हम ड्रॉ करेंगे और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट जाएगी इन दोनों के बीच में जो एंगल है तो वो कितने डिग्री का था नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है ये वाला तो ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू तो अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर देंगे राइट एंगल ट्रैंगल और अगर ये राइट एंगल ट्रा फॉर्म करेंगे तो इन ट्राइंगल ओपी क्यू ओपी क्यू में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो पी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे जब पाइथागोरस से पी तो क्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ट्वेंटी फोर पाइथागोरस अप्लाई करनी सभी को आती है तो इसकी वैल्यू पी क्यू की हाजी की हमारे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी थी तो टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट टाइम से क्यों हमारे पास रहेगा एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है रेडियस गिवन है 16 सेंटीमीटर और आग की लेंथ गिवन है 18.5 सेंटीमीटर तो सबसे पहले तो देखो भी इसमें थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन में लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ ऑफ आग गिवन है एटीन जबकि हमारे पास इसको फॉर्मूला क्या रहता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इन टू टू बाई आर ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है लेंथ ऑफ आग का तो हम यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री सिक्सटी अपॉन टू पाई आर अब थीटा की वैल्यू हम इसी टर्म तो में छोड़ देते हैं हमें फाइन क्या करना है एरिया फाइन करना है एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं इसमें थीटा की वैल्यू आई हमारे पास एटीन पॉइंट फाइव इंटू थ्री सिक्सटी अपॉन टू पाई आर अपॉन में 360 सिक्सटी है थीटा के साथ तो यहाँ पे 360 पुट कर देते हैं और पाई इंटू आर स्क्वायर देखो 360 से 360 सिक्सटी एलिनेट पाई से पाई एलिमिनेट आर स्क्वायर और आर है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा 18.5 पॉइंट फाइव इंटू आर तो आर की वैल्यू हमें गिवन है सिक्सटीन वो हम पुट कर देते हैं और अपॉन में टू तो इन दोनों का हम कटिंग करेंगे सिक्सटीन अपॉन टू है तो एट हो जाएगा तो एटीन पॉइंट फाइव इंटू जब हम एट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका वन फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एरिया ऑफ सेक्टर इज 148 सेंटीमीटर स्क्वायर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एम सी नंबर है 17 लाली टॉसिस टू डिफरेंट कॉइंट हमल्टेनियसली अब टू कॉइंस को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे दोनों हेड हो सकते हैं दोनों टेल हो सकते हैं फर्स्ट वन इज हेड सेकेंड वन इज टेल और फर्स्ट वन इज टेल एंड सेकेंड वन इज हेड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एटमोस्ट वन हेड कि जिसमें एटमोस्ट वन हेड आ रहा हो तो एटमोस्ट वन हेड कौन कौन से आउटकम्स में आ रहा है एटमोस्ट का मतलब हो जाएगा कि मैक्सिमम एक ही हेड आना चाहिए एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए एक से कम आ सकते हैं तो वन हेड वाले वाल आउटकम्स ये हो गए और विदाउट हेड वाला आउटकम ये हो गया ये तीनों ही आउटकम्स हमारे कौन से हो जाएंगे एटमोस्ट वन हेड वाले तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर क्योंकि तो टोटल आउटकम्स हमारे पास फोर हैं और फेवरेबल आउटकम्स थ्री हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर थ्री बाय फोर अब हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ चलते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू में हमें क्या गिवन है अ नंबर इज़ चूजन फ्रॉम द नंबर वन टू थ्री एज डिनोटेड एज एक्स एंड नंबर वन फोर नाइन डिनोटेड एज वाई तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्स वाई लेस देन नाइन होना चाहिए तो अगर हम एक्स वाई फाइंड करें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं पहले हम क्या करेंगे वन की मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर देंगे तो वन इंटू वन 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 इंटू फोर फोर वन इंटू नाइन नाइन और क्या बन सकते हैं आउटकम्स टू इंटू वन टू टू इंटू फोर एट टू इंटू नाइन एटीन फिर थ्री के साथ भी करेंगे तो थ्री वन जार थ्री थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व एंड थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन तो हमारे पास टोटल कितने टोटल आउटकम्स हो जाएंगे टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे नाइन अब हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं अगर तो फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास सिर्फ वो वाले आउटकम्स लेने जिसमें एक्स वाई की वैल्यू लेस देन नाइन है मीन्स एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके नाइन से कम रिजल्ट आए तो कौन कौन से आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास रिजल्ट नाइन से कम आ रहा है वन फोर टू एट थ्री एंड दैट्स इट इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं है जिसमें नाइन से रिजल्ट कम आ रहा हो तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो हमारे पास इसमें जो प्रोबेबिलिटी का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा फाइव बाय नाइन सो so, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फाइव बाय नाइन अब नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ चलते हैं जो कि हमारे दोनों क्या रहेंगे एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन नाइनटीन एंड ट्वेंटी जैसे कि आपको सभी पता है एग्जाम में एजर्शन रीजन्स आने हैं तो एजर्शन रीज़न की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसीलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं एजर्शन रीज़न को इसमें जो हमारे पास एडुके के सैम्पल पेपर्स हैं इसमें भी एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए अब हम नाइनटीन्थ क्वेश्चन में क्या करते हैं टू प्लेयर्स सानिया एंड आश्रम

तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम वन आ गया दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ वन से लेस भी है और किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं है तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ की कंडीशन हो रही है सभी सेटिस्फाई हो रही है तो एजेंशन तो बिल्कुल करेक्ट है अब रीज़न में क्या गिवन है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज़ ऑलवेज वन कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा वन के इक्वल आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज इक्वल्स टू वन तो हमारे पास एजर्शन भी करेक्ट है रीज़न भी करेक्ट है और रीजन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो नाइनटीन्थ में हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए अब हम लास्ट अपने एम को डिस्कस करते हैं वो भी एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है फेयर डाई थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज़ वन बाई टू अब फेयर डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स रहते हैं सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की तो वन से लेकर सिक्स तक में प्राइम नंबर्स कौन कौन से रहेंगे टू प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम नंबर है और सिक्स सॉरी फाइव भी प्राइम नंबर है तो टू थ्री एंड फाइव और थ्री प्राइम नंबर्स तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थ्री बाई सिक्स इट इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू वन बाई टू एंड आंसर हमारे पास एजर्शन में भी ये स्टेटमेंट गिवन थी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की वो वन बाय टू होगी हो तो एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है अब रीज़न चेक करते हैं नेचुरल नंबर इज़ अ प्राइम नंबर कि कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर हो सकता है इफ़ इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स कि उसमें सिर्फ अगर दो ही फैक्टर्स हों दो फैक्टर्स कौन कौन से एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ अब जैसे टू का है टू में सिर्फ किस किस से डिविजिबल होगा एक तो वन से डिविजिबल होगा और एक अपने टेबल से डिविजिबल होगा तो वही नंबर प्राइम होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं तो रीज़न भी करेक्ट है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो इसका भी हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होप्स आपको सभी एम अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू